हेलो गाइस, माय नेम इज आदित्य दुबे। वेलकम बैक टू अनदर डेली एमपीपीएससी एमसीक्यू वीडियो पार्ट 4। इस लेसन में हम डील करेंगे कुछ एमपीपीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो डील करते हैं एमपी से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग कमेटी एज पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब नीचे आपको ये कमेटीज दी गई हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा क्रूशल रोल प्ले किया है फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश में, और इन समितियों को मींस इन कमेटी को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। मींस जो समिति सबसे पहले फॉर्म हुई उसको पहले रखना है, जो सबसे लास्ट में उसको सबसे लास्ट में। ओके, तो यहाँ पे कुछ कमिटीज दी हुई है आपको, मैं पहले इसका आंसर बता दूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 4213। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कमेटी फॉर्म कब हुई और कैसे हुई। तो सबसे पहली कमेटी जो फॉर्म हुई थी वो थी फोर्थ नंबर की, जो है फजल अली कमेटी, जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 नाम से भी जाना जाता है। ये कमेटी जो फॉर्म की गई थी वो हुई थी 29th of December 1953। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है। फजल अली जी उस कमेटी के चेयरमैन थे, और इसके अलावा दो अलग मेंबर थे जो थे मिस्टर एच एन गुंजरू, मतलब हृदयनाथ गुंजरू, और डॉक्टर के एम पनीकर। ओके, इसके बाद जो दूसरी कमेटी फॉर्म हुई थी वो सेकंड नंबर की थी, जिसका नाम था बी आर दुबे कमेटी। अब बी आर दुबे कमेटी के बारे में मैं बताना चाहूंगा, ये कमेटी 1998 में फॉर्म की गई थी, और इस कमेटी के आधार पर 10 नए जिले एमपी में जोड़े गए थे। ओके, और उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन 3, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, जो कि डील करता है एमएम सिंहदेव कमेटी से। अब एमएम सिंहदेव कमेटी जो थी वो फॉर्म हुई थी 1998 में। ये कमेटी भी 1998 में फॉर्म हुई थी, लेकिन ये बी आर दुबे कमेटी के बाद फॉर्म हुई थी, और इस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर 6 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड किए गए थे। ओके, और आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल 1998 में एमपी में टोटल कितने जिले ऐड किए गए थे, तो वो आप इजीली गैस कर सकते हैं। टोटल जिले थे 16, 10 जिले जो ऐड किए गए थे वो बी आर दुबे कमेटी के द्वारा ऐड किए गए थे, और बाकी के 6 जिले जो थे वो एमएम सिंहदेव कमेटी की रिकमेंडेशन पर ऐड किए गए थे। लास्ट जो ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन 3, जो डील करता है बोस कमेटी से, तो बोस कमेटी जो गठित की गई थी वो हुई थी 15th of August 2003 को। अब इस कमेटी ने 3 डिस्ट्रिक्ट ऐड किए थे। ओके, सो ये है हमारा क्वेश्चन, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 4213। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अंडर बोस कमेटी रिकमेंडेशन इन 2003 विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज नॉट फॉर्म्ड। मतलब बोस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर जो कि 2003 में दी गई थी, इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं गठित किया गया था। तो बोस कमेटी की अनुशंसा पर, मीन्स बोस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर, बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर फॉर्म हुए थे। ये लेकिन अगर आगर मालवा की बात की जाए तो आगर मालवा फॉर्म नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन में डिमांड है नॉट फॉर्म की, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विच इज आगर मालवा। आगर मालवा की आपसे भी डेट पूछी जा सकती है कि कब फॉर्म हुआ था, तो उसकी डेट है 16th of August 2013। ये डेट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगर मालवा हमारा 51st डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, मीन्स लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जो हमारे मध्य प्रदेश में ऐड हुआ। अब बात करते हैं बोस कमेटी की रिकमेंडेशन पर। तो बोस कमेटी जो फॉर्म की गई थी वो हुई थी 15th of August 2003, जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया। इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर 3 नए जिले बने थे। अब ये जिले किस जिले से अलग करके बनाए गए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर बुरहानपुर की बात करें तो बुरहानपुर खंडवा जिले से अलग करके बनाया गया था। ओके, बुरहानपुर वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम खंडवा डिस्ट्रिक्ट। अगर बात करें अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो ये कार्व्ड आउट हुआ था, मींस अलग किया गया था शहडोल डिस्ट्रिक्ट से। ओके, अनूपपुर फ्रॉम शहडोल डिस्ट्रिक्ट। और अगर लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सी, विच इज अशोकनगर, तो वो कार्व्ड आउट हुआ था गुना डिस्ट्रिक्ट से। तो आप ये याद रखिएगा कि बुरहानपुर खंडवा से, अनूपपुर से शहडोल, और अशोकनगर से गुना बोस कमेटी जो फॉर्म हुई थी 2003 को, 15 अगस्त को, उसकी रिकमेंडेशन पर फॉर्म हुए थे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि 50वां डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का कब गठित हुआ, मींस 50th डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी फॉर्म्ड ऑन विच डेट। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि 50th डिस्ट्रिक्ट जो हमारे एमपी का है वो कौन सा है। तो 50th डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो वो है सिंगरौली। ओके, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट जो है वो एमपी का 50th डिस्ट्रिक्ट है, जो कि सीधी से अलग करके बनाया गया था। ओके, SIDHI, सीधी। ओके, अब इसकी डेट पूछी गई है कि इसका गठन कब हुआ था,
तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए। इसका गठन हुआ था 24th of May 2008 को। ओके, 24th of May 2008 को 50th डिस्ट्रिक्ट एमपी का फॉर्म हुआ था सिंगरौली से सीधी। अब बात करते हैं 17th May 2008 को क्या हुआ। 17th May 2008 को अली राजपुर फॉर्म हुआ था। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अली राजपुर फॉर्म हुआ था झाबुआ जिले से अलग करके। मीन्स पहले ये झाबुआ का पार्ट हुआ करता था, देन 17th May 2008 को अली राजपुर बिकेम एन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें मालूम होना चाहिए। और जैसा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि 15th अगस्त को क्या हुआ था, 15th अगस्त 2003 को बोस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी 3 डिस्ट्रिक्ट की। और अगर बात की जाए जो हमारा दूसरा ऑप्शन है जो कि 16th अगस्त 2013, तो इस दिन हमारा 51st डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ था जिसका नाम था आगर मालवा। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ एमपी कौन है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एडवोकेट जनरल पूछा गया है, ना कि करंट का। फर्स्ट एडवोकेट जनरल जो हमारे एमपी के रहे वो थे एम धर्माधिकारी। मिस्टर एम धर्माधिकारी वॉज द फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश। अगर आपसे करंट का पूछा जाए कि मीन्स करंट में एडवोकेट जनरल कौन है, तो उसका सही आंसर है पुरुषेंद्र कौरव। ओके, या पी कौरव भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शंस की जो हैं कुंजीलाल दुबे जी, तो वो थे फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर। मींस फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पंडित कुंजीलाल दुबे या फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश कौन थे, तो ये हैं पंडित कुंजीलाल दुबे। इसके बाद अगर बात की जाए विष्णुनाथ तामस्कर जी की, तो ये फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन है एमपी के, फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ एमपी वॉज एम धर्माधिकारी। लास्ट क्वेश्चन है कि शेड्यूल डिवीजन कब फॉर्म हुआ, मींस शेड्यूल डिवीजन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन विच डेट। तो ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल डिवीजन के बारे में बताना चाहूंगा कि ये 10th डिवीजन है हमारे मध्य प्रदेश का। ओके, और इट है 14th of June 2008, ये याद रखिएगा 14th of June 2008 को शेड्यूल डिवीजन जो कि हमारा 10th एंड स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो फॉर्म हुआ था। अब अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शंस की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है 15th of February 2006, ये डेट आप याद रखिएगा। इस डेट को होशंगाबाद डिवीजन का नाम बदलकर नर्मदापुरम डिवीजन किया गया था। ओके, होशंगाबाद जो डिवीजन है, होशंगाबाद डिवीजन का नाम बदलकर नर्मदापुरम डिवीजन किया गया। ओके, और आप 1 नवंबर 2000 को तो जानते हैं एमपी का पुनर्गठन हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, और वो मैंने आपको, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने एमपी का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरा समझाया हुआ है कि किस तरीके से एमपी हमारा फॉर्म हुआ। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आई होप यू लाइक इट। यदि आपको इस चैनल में नए हैं तो आप प्लीज सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले अगर आपको चैनल मेरा पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने बाकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हुई है एमपीपीएससी मेंस के पेपर 2 की, साथ ही साथ असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज वो प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। और यदि आप पीडीएफ या किसी भी अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा मेरा। इसकी लिंक है t.me/aditya-dubey-mppsc, या तो आप मुझसे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक की लिंक है facebook.com/aditya-dubey-mppsc। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक, बाय बाय।